अभी तक सब लोगों ने यही सुना है कि फ्रूट्स खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसके डर से डायबिटिक पेशेंट कभी नहीं खाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पांच ऐसा फ्रूट्स जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ये सारे फ्रूट्स बैलेंस डाइट में लिया जा सकता है। एक नंबर में है ऑरेंजेस। ऑरेंज एक साइट्रस फ्रूट्स है, इसमें फाइबर्स, विटामिन सी, लो शुगर होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आर आइडियल फॉर मैनेजिंग डायबिटीज़, क्योंकि हमेशा ये मेंटेन करता है हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स। इसमें जो शुगर होता है वो स्लोली रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, सडन स्पाइक नहीं करता है ब्लड शुगर लेवल, दिन भर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दो नंबर में बनाना, पोटासियम रिच एनर्जी बूस्टर है, डायबिटिक पेशेंट कभी कभार इसको थोड़ा अमाउंट में ले सकते हैं। इसमें जो फाइबर और रेजिस्टेंस स्टार्च होता है वो स्लो डाउन कर देता है डाइजेशन और रिलीज ऑफ शुगर हमारे ब्लड में। तीन नंबर में एप्पल्स। रेगुलर सेव खाने से लोअर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सेव के छिलका में पॉलीफेनॉल होता है, पॉलीफेनॉल स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को और इंसुलिन रिलीज कराता है। इंसुलिन रिलीज होने के बाद शुगर को कंट्रोल करता है। चार नंबर में ब्लूबेरीज। टीनी पावर हाउसेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इसको बोला जाता है। ब्लूबेरीज में बहुत सारे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ब्लूबेरी हेल्प करता है ग्लूकोज प्रोसेसिंग में, वेट लॉस में, इंसुलिन सेंसिटिविटी में, शुगर को बहुत स्लोली रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज और रसबेरी ऑल स्कोर लो ऑन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हेल्दी सोर्स ऑफ फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हैं इसको। पाँच नंबर में एवोकाडो। क्रीमी गॉडनेस विथ हेल्दी फैट्स। एवोकाडो में बहुत ज़्यादा मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, फाइबर्स होता है, जो इम्प्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। एवोकाडोज लेने के कारण पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये सारे फूड्स ले सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में।